रोहतास जिले के पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोगों को सूबे के परिवहन मंत्री ने बड़ी सौगात दी है। आज उन्होंने नौहट्टा से आरा व आरा से नौहट्टा के लिए बस सेवा को हरी झंडी दिखाई। यह बस सेवा शुरू होने से इलाके के लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा। मंत्री ने कहा कि रोहतास जिले के चेनारी और अधौरा में परिवहन सेवा बहाल की गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के गाजियाबाद के लिए बस चलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि अभी कई बसों को टेक ओवर करके चलाते हैं, जिससे उनका संचालन ठीक से नहीं हो पाता है। हालांकि 100 करोड़ रुपए की मांग की गई है, जिससे परिवहन विभाग कई बुनियादी बदलाव करेगी। उन्होंने कहा कि बसों के परिचालन के लिए परमिट अप्लाई की गई है, जैसे जैसे परमिट मिलेगी परिवहन सेवा को समर्पित किया जाएगा। देखिए, निश्चित तौर पर लोगों को फायदा मिलेगा और इधर के लोगों को बहुत डिमांड भी था कि बहुत पहले बसें चलती थी और जब हम इधर आए थे तो नौहट्टा में आए थे, रोहतासगढ़ में आए थे, तिलैथू में और डेहरी सासाराम में भी हम लोग आते थे तो वहाँ के काफ़ी लोग कहते थे। तो हमने भी महसूस किया कि जब आपके बस की रूट है राजधानी पहुँचने के लिए या ट्रेन रूट तक जाने के लिए, तो निश्चित तौर पर इधर के लोगों को आज काफ़ी खुशी होगी। हम लोग परिवहन विभाग के बस को आज संचालित कर रहे हैं। आज एक बस है, फिर आगे हम लोग और कई बसें चलाने का हम लोग प्रयास करेंगे और मुझे लगता है कि ये आरा से जब खुलेगी तो आरा से डेहरी के बीच में कई जगहों के लोग चढ़ेंगे, यात्रा करेंगे और डेहरी से लेकर नौहट्टा के बीच में कई जगहों के लोग अपना यात्रा करेंगे। इसलिए इधर के किसान हो, मजदूर हो या नौजवान हो, सभी साथियों के लिए ये बेहतर सेवा होगा।